इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खिचड़ी की पूरी कम्बो पैक, जिसमें होगी खिचड़ी के सारे दोस्त और बहुत ही आसान तरीकों से। तो वैसे भी होम सेफ खुशबू की रेसिपी आसान ही होती है और इस मकर संक्रांति आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल चावल लेंगे और मैंने यहाँ पर आधा केजी चावल लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे इसी कप से आधा कप मसूर की दाल या फिर चौथाई कप। अगर आप आधा कप या फिर चौथाई कप मसूर दाल लोगे तो आपकी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम भी इसे मिला लेते हैं और इसे दो तीन पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। तो पूरी मैनेजमेंट के साथ बनाना बताएंगे खिचड़ी कुकर में। तो हम यहाँ पर कुकर लिए हैं और कुकर में ऐड करेंगे उसी कप से 5 कप पानी। तो ये हुआ तीसरा कप और चौथा और लास्ट 5वां। और फिर हम गैस को ऑन कर देंगे और साथ में ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता और साथ में ही हम ऐड करेंगे अदरक कुटा हुआ और इसे कवर कर कर पानी में उबाल आने तक हम इसे कुक करेंगे। देखिए पानी में हल्का उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे भिगोया हुआ चावल को और इसे हम उफान आने तक इसे हम कुक करेंगे। जब हम कवर हटाएंगे तो देखिए इसमें उफान आ चुका है। तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में ही हम ऐड कर देंगे यहाँ पर हल्दी और इसी के साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे काली मिर्च, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और इसे हम 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। जब तक इसमें 3 सीटी आता है तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो इसे हम गैस के दूसरे साइड रख देते हैं और खिचड़ी के दोस्तों की तैयारी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे चीरा हुआ हरी मिर्च और इसे फ्राई होने तक हम कुक करेंगे। जब इसमें दाग लग जाए या फिर फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तब हम यहाँ पर मसाले में ऐड कर देंगे लहसुन, सॉल्ट, हल्दी पाउडर और साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे राई पाउडर और इसे 1-2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और कुछ मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर कर इसे हाई फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे जब तक मसाला पूरी तरह से इसमें सिमट ना जाए। तो देखिए हमारी मिर्च की भुजिया तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए पूरी तरह से एक जगह जाकर मसाला सिमट चुका है। तो हमारी मिर्च रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। फिर हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। तो हम उसी पैन में ऐड करेंगे 1 चम्मच और ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। थोड़ी सी हम बचा के रखते हैं, हम इसे खिचड़ी में भी ऐड करना है।
तो हम इसे चलाते रहेंगे और इसमें खुशबू आने तक हम इसे कुक करेंगे। जब ये कुक हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च और इसे भी एक दो मिनट हम कुक करेंगे। जब ये भी पक जाए तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया के पत्ता को, तो हम इसे पकने देते हैं। और हमारी कुकर भी सीटी दे चुकी है, अब हम इसे पूरी तरह से ठंडी होने देंगे। तो यहाँ पर मिर्च भी कुक हो चुका है, अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे धनिया पत्ता को और इसे भी कुक करेंगे कुछ मिनट को के लिए। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे सॉल्ट, और मैंने यहाँ पर ऐड किया है बड़े साइज का आलू 5 पीस, और इसे हमने क्रश कर लिया है और इसे हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। जब ये भी अच्छी तरह से एक जगह सिमट जाए तो ये रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर थोड़े मसाले और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मंगरेला, अजवाइन और साथ में कूटा हुआ काली मिर्च ऐड किए हैं और इसे एक दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। एक दो मिनट कुक हो चुका है, तो देखिए ये पूरी तरह से अपनी जगह पर एक जगह से मट चुका है, तो ये रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगी। फिर हम खिचड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो खिचड़ी की तैयारी करने के लिए हम उसी पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा और ऑयल, और साथ में ऐड करेंगे तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, और कुटा हुआ लहसुन, जीरा, खड़ा काली मिर्च, और इसे एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू पतला पतला छोटा छोटा स्लाइस में कट किया हुआ, और मैंने यहाँ पर 2 पीस आलू लिए हैं। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 कप मटर, और इसे भी एक दो मिनट के लिए हम कुक करेंगे। एक दो मिनट कुक करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे सॉल्ट और वो सारे नॉर्मल मसाले। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर और धनिया के पत्ते, और टमाटर को गलने तक हम यहाँ पर इसे कुक करेंगे। तो हम इसे कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो देखिए टमाटर यहाँ पर गल चुका है। फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी पानी ऐड कर हम इसे एक दो मिनट और कुक कर लेंगे। और हम इसे कवर कर कुक करेंगे। तो जैसे ही हमने कवर हटाया, देखिए वाह कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है मसाले। अब हम इसे ऐड कर देंगे खिचड़ी में। यहाँ पर देखिए खिचड़ी भी पूरी अच्छी तरह से कुक हुआ है। इसे ऐड करेंगे और हम मिक्स कर लेंगे। खिचड़ी भी तैयार है और खिचड़ी के दोस्त भी तैयार हैं। तो इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर प्याज और टमाटर की तीखी चटनी, चोखा, फ्राई मिर्च,
अचार, रोस्टेड पापड़, दही और खिचड़ी। प्याज टमाटर की रेसिपी देखनी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो लीजिए, तैयार है पूरा खिचड़ी कम्बो पैक। कौन है, इधर आना। मुझे तो भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ इसे खाने। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलती हूँ एक नई सी आसान सी रेसिपी के साथ अपने इसी चैनल घर का जायका विद खुशबू में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड नमस्कार।